हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी नेचुरल विद ज्योतिका। दोस्तों, हम सब अपने चेहरे पर निखार पाने के लिए न जाने कितने ही प्रकार के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। हमारे चेहरे पर बहुत से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स तथा पिंपल्स निकल आते हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, पर मैं आज आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ उससे आप बिना किसी खर्चे से, बिना किसी साइड इफेक्ट से अपने चेहरे को दमका सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं यह भी बताऊंगी कि स्टीमिंग के क्या क्या फायदे होते हैं और स्टीमिंग किस प्रकार से लिया जाना चाहिए। इसे हफ्ते में एक बार लिया जाना चाहिए या फिर महीने में या हफ्ते में 2-3 बार, इन सब के बारे में आपको पूरी तरह जानकारी दूंगी। भाप स्नान से शरीर की धमनियों को पर्याप्त मात्रा में गर्माहट मिलती है, जिससे शरीर की थकान दूर हो जाती है। इस स्नान से आंखें भी निरोग रहती है तथा असमय कोई भी रोग हमारी आंखों में नहीं पनपता। इस स्नान से त्वचा के रोम छिद्र अच्छी तरीके से खुल जाते हैं, जिससे त्वचा की गंदगी इन छिद्रों से बाहर आ जाती है और कभी भी हमारे चेहरे पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स व पिंपल्स नहीं निकलते। गर्मियों में इस स्नान के करने से पसीना कम मात्रा में निकलता है और हमारे चेहरे पर गंदगी नहीं फैलती तथा शरीर में आलस्य भी नहीं पनपता। भाप स्नान से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे आपके चेहरे पर लालिमा आती है। इससे त्वचा मुलायम व कोमल बनती है। चेहरे की आभा को बढ़ाने के लिए यह स्नान एक वरदान माना गया है। भाप स्नान से होठ भी सुकोमल बनते हैं तथा होठों पर छाई हुई ब्लैक परत वो भी धीरे धीरे उतरने लगती है तथा मौसम के परिवर्तन के कारण वे फटते भी नहीं है। वैसे यह स्नान सुबह ही करना चाहिए, जिससे दिन भर शरीर में ताजगी बनी रहती है। दोपहर के बाद यह स्नान एक उत्तम दवा मानी गई है। किसी भी मौसम का कुप्रभाव भी शरीर पर नहीं पड़ता इस स्नान से। स्टीमिंग से स्मरण शक्ति भी तेज होती है। इस स्नान से घुटने व बदन का दर्द भी दूर हो जाता है और हमारे पूरे शरीर में ताजगी आ जाती है। स्टीमिंग लेने से नाखून के सौंदर्य में यह स्नान वृद्धि करता है व नाखून तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं और हमारे नाखूनों पर गुलाबी आभा निखरने लगती है। याद रहे कि स्टीमिंग हमें हफ्ते में एक बार ही करनी है, क्योंकि ज़्यादा स्टीमिंग हफ्ते में लेने से हमारे चेहरे पर जो स्किन है वो लूज हो जाएगी, वे समय से पहले हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएगी। तो अब हम यह भी जान लें कि भाप स्नान किस प्रकार से लिया जाना चाहिए। भाप बनाने के लिए किसी चौड़े मुंह के बर्तन में पानी खोलाएं। पानी में 1 चम्मच ग्लिसरीन डालें। चेहरे को पहले गर्म पानी से धोएं तथा इसके पश्चात गुनगुने या ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोकर पोंछ लें। इसके पश्चात नमक रहित मक्खन की मालिश करें या फिर नारियल तेल भी आप यूज ले सकते हैं। मालिश करते समय ध्यान रहें कि उंगलियों का क्रम नीचे से क्रम से ऊपर की ओर, गाल व ठोड़ी पर गोल मालिश करें। जब पूरा मक्खन पिघल जाए या तेल पूरी तरह से आपकी स्किन पर लग जाए, तो उबलते हुए पानी जिससे भाप निकल रही है उससे ऊपर चेहरा रखकर गीले तौलिए से अपना सिर ढक लें। इस तरह भाप लेते हुए 10 मिनट तक अपना सिर ढके रहें। थोड़ी देर बाद आपको पसीने की धार बहती हुई सी महसूस होगी। अब तौलिया हटाकर किसी खुरदुरे तौलिए से अपना चेहरा पोंछें। 5 मिनट बाद बर्फ के ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर दें। भाप से त्वचा के छिद्र खुल जाएंगे, चौड़े हो जाते हैं। ठंडा पानी लगने से छिद्र बंद हो जाते हैं। भाप लें, लेकिन ताप से बचें। ज़्यादा ताप नहीं लेना है, इससे हमारी स्किन पर साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसके पश्चात हथेली पर कोल्ड क्रीम लेकर चेहरे पर धीरे धीरे मालिश करें, या फिर आपके पास कोई भी क्रीम है वो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। 1/2 घंटे बाद अपना चेहरा धो लें। अगर आपको मेरा यह आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।